हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पर चर्चा करने के लिए एलजी बालकृष्ण का चार्ट चुना है। तो चलो देखते हैं एलजी बालकृष्ण का चार्ट। ये एलजी बालकृष्ण का डेली चार्ट है। एलजी बालकृष्ण ने सितंबर 2021 में 404 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव मोड में आ गई। स्टॉक ने अक्टूबर 21 में 549 का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया 475 का लो। वापस स्टॉक ने अपमूव में ट्रेड करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप अप गैप देख सकते हो। और स्टॉक ने एक नवंबर 21 में 591 का एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया, लेकिन पूरा पे राइज देखोगे तो वैलिड करेक्शन। यहाँ पे स्टॉक एवरेजेस के आजू बाजू डायरेक्शन ढूंढने लगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में थी आज तक पॉजिटिव मोड में है, और यहाँ पर भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में थी। उसके बाद स्टॉक में वापस एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, और स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा, कंटिन्यूस हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स। स्टॉक ने 714 का हाई बनाया। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, अरुण अप एंड डाउन और ROC का सहारा लिया है। और अरुण अप एंड डाउन में एक मजबूत अप ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, और KST और ROC में बाय सिग्नल आ चुका है। स्टॉक का 200 DMA कंटिन्यूस राइजिंग मोड में है। अभी भी स्टॉक ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देके 715 का एक नया हाई बनाया है वॉल्यूम सपोर्ट के साथ। और ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि एलजी बालकृष्ण लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 706 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1100 आ सकता है। अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 685, 666, 651, 636 और 628, और ए ट्रेड में 618 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वी वेंचर सिक्योरिटीज लिमिटेड, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर IN H00001634। इट्स एनालिस्ट्स एंड एसोसिएट्स विद रिगार्ड टू दिस वीडियो हियर बाय सॉलेमली डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज दैट वी डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी नेचर इन द कंपनी। We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company, such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.